हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसने हरियाणा सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसको लेकर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी उपायुक्तों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और इस मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, हर थर्सडे को ऑनरेबल CM साहब मीटिंग लेते हैं और जो मुद्दे होते हैं उनको सबको उस दिन फ्लैग करते हैं और अपने जो इंस्ट्रक्शन जो जारी करते हैं। आज का मेन मुद्दा जो था वो था, हर एक गांव को हम स्क्रीनिंग करेंगे, हर एक गांव में कमेटी बनाएंगे और जहां पे हॉट स्पॉट्स बने हुए हैं, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, उन गांव में आइसोलेशन बेड स्थापित करेंगे ताकि जिसके घर पे आइसोलेशन की सुविधा नहीं है उनको हम वहाँ शिफ्ट करेंगे और जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की या कोई और वजह है वो हमारे हर एक सब डिवीज़न लेवल पे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं DCHC, उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बारे में लोकल कमेटी होगी जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पटवारी, नंबरदार जो लोकल हैं वहाँ के वो फंक्शनरीज होंगे। एक हेडक्वार्टर टीम होगी जिसमें एक हेल्थ डिपार्टमेंट का होगा, चाहे लैब टेक्नीशियन है, चाहे ANM है, चाहे कोई और उनका रिप्रेजेंटेटिव है। एक नॉन हेल्थ का होगा, चाहे वो टीचर है, चाहे वेटनरी डिपार्टमेंट से है, चाहे एग्रीकल्चर से है, चाहे पंचायती राज से है। और एक हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा, वो हमारे सारे CSCs वाले होंगे। हर एक गांव में हमारा कॉमन सर्विस सेंटर है, उनसे हम एंगेज करेंगे और हमारी स्क्रीनिंग का उद्देश्य यही है कि गाँव के अंदर फैलेना और जिसको ये इन्फेक्शन हो गया है उसको हम आइसोलेट कर सकें। ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए अब हरियाणा सरकार लगातार प्रयासों में जुटी है। ऐसे में आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी कोरोना से बचाव की सभी हिदायतों का पालन करें और बेवजह घर से बाहर निकलने से बचें। बहरहाल, अम्बाला से जुड़ी हर एक जानकारी जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज की मुहिम, CPAP और BiPAP मिनी वेंटिलेटर डोनेट करने की मुहिम, समृद्ध समाज सेवी लोग आगे आएं और दिए गए नंबर 9315348688 पर संपर्क करें।